Hey guys, subscribe and press the bell icon to never miss a video. Hey guys, welcome back to the channel. And before we start this video, I want to tell you guys ki is video ke end mein I have talked about the products which I have used throughout this trip, and abhi jo bhi main product use kar raha hu uske bare mein maine wahan pe bataya. So make sure you check out that segment, wo ki video ke end mein hai, aur tab tak aap video ka maza uthaiye. Aur don't forget to check out my Amazon store jiska link aapko description mein mil jayega. Thank you. Hey guys, welcome back to another video. Aur aaj ke video mein hum ja rahe Dhankar ke samne, हमारी स्पीति वैली. पहले हम सोचे थे कॉमिक, लांगजा और हिक्किम जाएं, बट अब हम नहीं जा रहे, हम कल जाएंगे वहाँ पे. और फाइनली फ्लैग लग गया. अब यू हैव टू अर्न दिस फ्लैग, ये जो अभी बाइक में लगा है. किसने लगाया है? हाँ, और इसका ये बहुत छोटा, ये बड़ा है, तो अपने वाला लगा देना. मेरा तो बड़ा ही है. तेरा भी तो बड़ा ही है. अच्छा, हाँ, ये है आपकी भाई और नवांग भाई, और ये फिर से नवांग भाई, दो नवांग भाई. चलें धंकर, धंकर मोनेस्ट्री है ना आज तो फिलहाल. वही है कंफर्म. अच्छा, एटीएम से काम क्या हो सकता है? एटीएम से पैसे का ही काम होगा, एटीएम से पैसा निकालना. चलो चलें. यहाँ पे वैसे फ्यूल का रिस्क नहीं लेना चाहिए, पर मुझे पता है इसकी माइलेज थोड़ी अच्छी आ रही है, तो इसे रिस्क नहीं कह सकते. अभी लहलाता हुआ फ्लैग जाए, यही तो है यार, इसी को तो अर्न करने आए हैं हम लोग. ऐसे ही लगा लेते हैं यार, ऐसे लगा के फ़ायदा नहीं है. यू हैव टू अर्न दिस फ्लैग. वो देखो सामने इंडियन फ्लैग है वहाँ पर, ओलंपिक्स के रिंग के साथ. मैं जूम करने की कोशिश करूँगा अगर आपको दिखा दो. सो वो बनाया स्टूडेंट्स ने हमारे ओलंपियंस को मोटिवेट करने के लिए. एक और दिन शुरू होता है काजा में. अनदर ब्यूटीफुल डे एट दिस ब्यूटीफुल प्लेस. अरे भाई यार, हैवी ड्राइवर आ गए पंजाब के हमारे. तो ये आइस हॉकी का है गैस, यहाँ पे आइस पड़ती होगी. Oh my God, lots of trucks. So guys, ये है राइट हैंड साइड पे सामने काजा का बस स्टेशन, और रात को भी हम यहाँ आए थे. ये है मार्केट लोकल काजा की. कल जाएंगे ना अपन हिक्किम कॉमिक लांगजा, फिर कहाँ जाएंगे? फिर तुम्हारे रील बनाने के लिए, फोटोशूट के लिए. रील तो आज तो धंकर जाएंगे. सही है यार, एकदम मस्त.
क्या कह रहे हो? वहाँ एक ब्रिज है नहीं था उधर, हाँ पिन वैली को जाता है। अच्छा वो जो ब्रिज मुड़ता था बीच में वो पिन वैली को था। उस ब्रिज का नाम है उधर को। उधर को पहले जब अंग्रेज के जमाने था ना तो लोकल जो बंदे वो बोलते, अब अंग्रेजों को उतना वो नहीं आता था हिंदी, तो जो लोकल काम करने वाले वो इधर को वे इधर को इधर को उधर को बोल रहे थे क्यों। इस ब्रिज का नाम पड़ गया अदर को। वाह यार क्या फनी स्टोरी। रास्ता भी दिख रहा है, ये रास्ता जो ये हमारे अपोजिट में यही पिन वैली को जाता है और इस पहाड़ के पीछे मतलब। अच्छा ये जो सामने रास्ता दिख रहा है पिन वैली को जाता है, इस पहाड़ के पीछे ये पिन वैली ब्रिज क्रॉस होके जो रास्ता जाता है सारा पिन वैली का। ये पूरा एरिया पिन वैली के अंदर आता है। कौन सा वाला? ये वाला पीछे वाला रोड के अंदर जो जा रहा है ना। हां हां ये पूरा इस साइड पीछे वाला पूरा पिन वैली, पिन वैली है पूरा। हां और इसके पीछे वही है पिन वैली नेशनल पार्क है पूरा। अच्छा इसके पीछे छोटे छोटे गांव ऐसे एक एक दो दो घर वाले गांव भी मिला के 50 गांव है इस पिन वैली में। अच्छा पिन बोल। अब ये जो ऊपर टेढ़ा मेढ़ा रास्ता ये जाता ना, हां क्या धनसकर क्या नाम है इसका, धनकर धनकर वैल मॉनेस्ट्री का मतलब क्या पता, ठंग यानी वो होता है ठा यानी हमारा वो होता है पहाड़, खर यानी महल, पहाड़ के ऊपर जो महल है वैसे धनकर का मतलब पहाड़ के ऊपर महल। वाह देखा ये फायदा होता है लोकल्स, इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अपाची की ये चीज़ बहुत अच्छी है कि ये ख़राब पैचेस में बहुत अच्छी तरह चल रही है और पावर जो है वो कभी भी अंडर पावर्ड फील नहीं हो रही है। एक डाउन शिफ्ट करो और यू आर गुड टू गो। वाओ क्या ब्यूटी है यार, एकदम पहाड़ के टिप पे बनाया हुआ है। और गाइस ये है धनकर विलेज ये सामने और वो धनकर मॉनेस्ट्री। सो ये आई थिंक हाँ ये धनकर विलेज कहते टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं और यहाँ पर हल्का हल्का स्पीड में उतरना पड़ेगा क्योंकि मिट्टी रेत सब कुछ एक साथ ही है। पहले गियर पे छोड़ रहा हूँ मैं, वो एकदम शार्प उतरा ही है। गाइस फाइनली वी आर एट धनकर विलेज। ये अपनी बाइक है, ये KTM भी आ गई और वो रॉयल एनफील्ड। एक और बात मैं आपको बता दूं कि आई थिंक ये है ऊपर मॉनेस्ट्री। हाँ यहाँ पे हम इसलिए भी आए हैं क्योंकि नवांग के कोई रिलेटिव है, उनकी ये गाड़ी खड़ी है, उसमें पेट्रोल ख़त्म हो गया है। सर पेट्रोल पंप काजा में है। सर नवांग भाई अभी पेट्रोल लेके घूम रहे हैं, कितना लीटर माल है भाई? 4 लीटर। 4 लीटर माल लेके घूम रहे हैं देखो। ये धनकर विलेज है ना? हाँ ये धनकर गंपा है ये जो दिख रहा है। अच्छा ये नीचे से रास्ता है? हाँ, यहाँ से ऊपर तक जाता है। अच्छा अच्छा बढ़िया, क्या व्यू है यार यहाँ से। ओ ये पहाड़ कैसे कैसे बने ना ऐसे ऐसे करके, मस्त एकदम। चलो फिर अब चलते हैं अंदर। गाइस ये है धनकर मॉनेस्ट्री का रास्ता, यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, बाइक्स वहाँ पार्क दें हमारी। अंदर प्रेयर चल रही है सो हम अभी अंदर फिलहाल शूट नहीं करेंगे, पूछ लेंगे कि कर सकते हैं कि नहीं शूट कर सकते हैं। सो गाइस अभी हम हैं धनकर मॉनेस्ट्री में, ऊपर आप देख सकते हैं मॉनेस्ट्री है, अंदर अलाउड नहीं है इसलिए हम बाहर से कर रहे हैं शूट। और यहाँ से व्यू देखो कितना मस्त है, ये मेडिटेशन किए हुए। और यहाँ से पहले जाने का रास्ता बहुत छोटा था, अब थोड़ा बड़ा कर दिया। और यहाँ से नीचे एकदम कैसे दिखाऊँ आपको, बहुत ही नीचे गहरी खाई है नीचे। गाइस अभी हम जा रहे हैं ऊपर मॉनेस्ट्री के ऊपर, वहाँ पे टॉप पे वहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है। बाइक्स हमारी नीचे हैं, ये देखो इतना मस्त पहाड़ है। हो सांस चढ़ती है थोड़ा ऊपर चढ़ने में, पर व्यू जो है मेस्मराइजिंग, इतना सुंदर। वो जा रहे हैं बाकी सारे। इधर से ऊपर इधर जाने जाते वीडियो
बहुत ही थिन सा एरिया है, इसके नीचे खाई है, इसकी गहराई और खाई। सो गाइस ये है टॉप से धंकर विलेज का व्यू। ये देखो अपनी बाइक वो वहाँ पे पार्कड है और ये पूरा का पूरा धंकर विलेज। सो गाइस अब जाने का टाइम आ गया है धनकर मॉनेस्ट्री से। फोटोज़ बहुत सारे अच्छे अच्छे आए हैं, फ़ोटोज़ देखने तो इंस्टाग्राम लिंक शो हो रहा है, वहाँ पे जाइए सारी फ़ोटोज़ मिलेंगी यहाँ की। और ये देखो अब शायद आपको आइडिया लग जाए कितना गहरा है ये। अब लंच टाइम है तो लंच करने जाएंगे। अच्छा फोटो क्यों चल रहा है, चलो 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 भाई बैंक मत देना उसको। मैं एक बात आई थी, सोचा मैं क्यों ना आप लोगों से शेयर करूं। सो यहाँ कुछ बाहर के बंदे आए थे, सो हम लोग मॉनेस्ट्री में बाहर ही थे, लाइक शूज़ वगैरह थोड़ा सामान वगैरह अपना पैक कर रहे थे क्योंकि आपको शू बाहर उतार के जाना पड़ता है। सो एकदम ऐसे राइडर वाइडर के आउटफिट में आए और यहाँ पे आके कहते कि लाइक मेरे साथ लोकल्स भी थे, नवांग भी था, तो वो कहते कि अंदर कुछ खास है, लाइक आप मॉनेस्ट्री के बाहर आके ऑलमोस्ट अंदर आ ही गए थे वो लोग, उसके बाद आके आप मतलब जिन लोगों की इतनी श्रद्धा है उनके सामने आके ये बात बोल रहे हो कि यहाँ पे कुछ खास है। फिर मैंने जवाब दिया भाई अगर देखने चाहोगे तो बहुत कुछ खास है, अगर नहीं देखना चाहोगे तो कुछ भी खास नहीं है। तो ये लोगों ने तो मज़ाक में लिया, बट आई थिंक अगर आप आ रहे हो यू शुड रिस्पेक्ट द ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑफ द विलेजेस और द कम्युनिटी वी आर विजिटिंग। हम आए हैं धनकर मॉनेस्ट्री का ही एक पार्ट है, वो धनकर मॉनेस्ट्री इसके अपोजिट यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे रेस्टोरेंट कैफ़े वगैरह भी है। हल्की हल्की बारिश हो रही है, काले बादल आ रहे हैं, आई होप ज़्यादा ना हो बट ज़्यादा है मुझे लग रहे हैं, तो थोड़ी बहुत बारिश होने के चांस लग रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे पुराने ज़माने के घर भी हैं, ये मैंने अभी नोटिस किया है ना, शायद अभी रहता तो कोई भी नहीं है इसमें। ये देखो सो स्पीति वाली में पहले ऐसे घर होते थे, मिट्टी की छत है, ये कच्चा देखो घर के दरवाजे कितने छोटे हैं ताकि ठंड अंदर ना आए, खिड़की दरवाजे इसलिए यहाँ पे छोटे छोटे रहते हैं। और देखो ऊपर एक फायर प्लेस के लिए वो चिमनी टाइप लगाई है, और ये बहुत पुराने पुराने घर है, वो देखो तो थोड़ा सा टूट भी गया है। ये होता थे प्रीवियस, और इसमें पता कैसे बनाते हैं, छत पहले बैम्बू की लकड़ियाँ लगाते हैं और जो पिल्लर है वो भी लकड़ी के, ऊपर घास डालते हैं, फिर मड लगाते हैं, फिर घास, फिर मड, तीन चार लेयर डालते हैं, उसकी वजह से वाटर प्रूफ हो जाता है और वेदर प्रूफ हो जाता है और मस्त अंदर मतलब गर्मी भी रिटेन करता है, मतलब सर्दियों में गर्मी और गर्मी में सर्दी रिटेन करता है। और सामने रेस्टोरेंट है, वहाँ जा रहे हैं हम अभी, इसका नाम है ताशी खंगसार होटल रेस्टोरेंट। सो यहाँ पे जा रहे हैं। सो फॉर द लंच वी आर हैविंग थुपका एंड वेज फ्राइड राइस along with beverage and beautiful weather. This thupka is known as mix thupka. Mix thupka? क्यों? Momo. अच्छा momos है ना इसमें? तभी तो हमने खा लिए momos, एक एक बचा है बस, निपटा दिए सारे के सारे। अच्छा बनाया वैसे ना? बढ़िया। But I'm learning my way under. This maze that I'm running through now when I think of you, I'm fine, see a picture of you, you would eat me alive. And now when I think of you, I'm fine. And all of the wounds that were opened by you are now closing. I finally know how to live without hurting myself. I think that I am moving on cause I do feel less broken. गाइस वेलकम बैक टू अनदर प्रोडक्ट रिकमेंडेशन सेशन। और आज मैं करने वाला हूँ आपको बहुत ही बेहतरीन कुछ अमेज़ॉन के प्रोडक्ट्स रिकमेंड, जो कि मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी सारे ट्रिप में यूज़ किए हैं, जो कि आप मेरे वीडियो में भी देख सकते हो, बट मैंने सोचा एक अलग से सेगमेंट बनाता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि मैं कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूँ और कितने ज़्यादा डिस्काउंट पे यूज़ करता हूँ। सो अभी चल रही है अमेज़ॉन की वार्डरोब रिफ्रेश सेल और साथ में मॉनसून सेल भी चल रही है, सो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स चल रहे हैं, हैवी डिस्काउंट्स ऑन फैशन एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स।
सो जो डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे रखा है आपको अमेजोन स्टोर का, वहाँ पे जाके आप क्लिक करोगे तो आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी जो भी मैं चीज़ें यूज़ करता हूँ, जो भी मैंने पर्सनली रिसर्च करके शॉर्टलिस्ट की हैं। सबसे पहले ये पेपे जीन्स की टी शर्ट जो कि आपको दिख रही होगी, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे डिस्काउंट पे मैंने ली है। प्लस में गाइज ये जो टी शर्ट है ना, ये बहुत ही अच्छे फैब्रिक की है, काफ़ी स्ट्रेचेबल भी है, तो आपको एकदम फिट करेगी ये, आपको एकदम ऐसे माचो लुक आएगा इसको पहन के, और लाइक सूट भी करेगी अगर आपको। ऑल्दो अगर आप थोड़े अगर वेट गेन करके रखा है तो ये थोड़ा आपको लूज वाला साइज़ लेना पड़ेगा, अदरवाइज अगर आपका फिट अच्छा है तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा यू नो आपके लुक को एनहेंस करेगा ये वाला टी शर्ट। सो गाइस जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है अमेरिकन ईगल का, यू कैन से कार्डिगन, फ्लीज या स्वेट शर्ट कुछ भी कह सकते हो। ये एक्चुअली एक शर्ट की तरह ही होता है, बट ये काफ़ी मोटा होता है, और मैंने इसको अभी श्रीनगर ट्रिप में पहना और इसके फोटोज़ बहुत अच्छे आएंगे, मतलब आ गए हैं। इसमें आपको कोई भी शेड मिलता ना या तो उठा लो, बहुत ही अच्छा लुक आता है पहली बार चेक में है, और अगर मैं इसको बंद करूं तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, बट मैंने टी शर्ट पहना और यहाँ पे गर्मी है तो इसलिए मैं बंद नहीं कर रहा, बट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसमें 60% कॉटन है, 40% पॉलिएस्टर है, सो इट्स अ ब्लेंड ऑफ यू नो कि जो चीज़ें आपको हीट रखेंगी, फ्लेक्सिबल भी है और क्वालिटी भी है, इट्स सॉफ्ट ऑन योर स्किन एज वेल, सो यू कैन चेक आउट द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छी ये स्वेटशर्ट है, इसको आप परचेज कर सकते हो, स्वेटशर्ट नहीं कहूँगा मैं, शर्ट ही कहूँगा एक्चुअली, बट थोड़ा गर्म वाला शर्ट यू कैन से। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये टिंटेड का श्रग, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, मैं काफ़ी टाइम से श्रग यूज़ करता हूँ एक्चुअली प्लेन में, या जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो लाइक जैसे प्लेन में या बस में या ट्रेन में, जहाँ पे एकदम से कूलिंग ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकती है, तो इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा कॉटन का ये श्रग रखा होता है, जो तो एक तो लुक को एनहांस करता है। एक्चुअली मैंने अभी ब्लैक टी शर्ट पहनी है, वाइट टी शर्ट पर बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये मैंने बहुत सारे ओकेजन पे पहना है और काफ़ी अच्छा लगता है। वो ब्लू कलर का था, अभी मैंने ब्लैक कलर का एक नया श्रग मंगवाया है, और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है यार, एक तो कॉटन का है, लाइट वेट है, कभी भी ट्रैवल कर सकते हो ना, ज़्यादा सर्दी लगेगी ना गर्मी लगेगी, और आपके लुक को एनहांस भी करेगा। महंगे से महंगे ब्रांड भी यूज़ करता हूँ और बजट ब्रांड भी यूज़ करता हूँ, और मैं आई मेक श्योर कि जो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स है ना उसको मैं डेफिनेटली यूज़ करूँ, रिकमेंड करूँ, तो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट में आता है, इसलिए मैंने आपको रिकमेंड किया है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो गाइज कमिंग टू द ब्यूटी प्रोडक्ट्स, आज मैंने खरीदा है फिलिप्स का ये ट्रिमर, जिसमें टाइटेनियम कोटेड ब्लेड्स हैं फ्रंट में, सेल्फ शार्पनिंग, सो आपको ऐसा नहीं कि ब्लेड का जो यू नो क्या कहते हैं उसको शार्पनेस है वो कम हो जाएगी, टाइटेनियम कोटेड हैं तो ब्लेड्स जो है वो अपने आप ही यू कैन से शार्प होते रहेंगे जैसे जैसे यूज़ होंगे। सो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, फटाफट चार्ज हो जाता है, 90 मिनट्स का बैकअप देता है, कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बहुत ज़्यादा काम आएगा ग्रूमिंग के लिए। ये जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, मैंने इस बार फिर मंगवाया, मैंने उस टाइम आपको बता दूँ, वो है मिनिमलिस्ट का 10% विटामिन सी सीरम, और ये बहुत ही अच्छा सीरम है, विटामिन सी जो है स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होती है, स्पेशली सन डैमेज को और पोल्यूशन डैमेज होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, स्किन पिगमेंटेशन जो भी आपको थोड़े दाग धब्बे उसको लाइट करने के लिए, कॉम्प्लेक्शन फेयर करने के लिए पहले मॉइस्चराइजर लगाई फिर सनस्क्रीन लगाई, ताकि जो इसका लेयर है वो जो है मतलब विटामिन सी जो है जैसे ही कॉन्टैक्ट आता है ना, जैसे ही वो सनलाइट के कॉन्टैक्ट में आता है वो जो है थोड़ा वो क्या कहते हैं यू कैन से डिग्रेड होने लगता है, उसका इफेक्ट डिक्रीज होने लगता है, तो उसको प्रोडक्ट के लिए यू शुड कॉम्प्लीमेंट दिस अलॉन्ग विद द मॉइस्चराइजर, मतलब सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर के साथ, और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है तो वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी बड़ा भी है, और ये है नोवा का हेयर ड्रायर, मैं काफ़ी टाइम पहले से इसे यूज़ कर रहा था, मैंने कहा ये भी मुझे डेफिनेटली रिकमेंड करना चाहिए, मैं भूल ही गया था एक्चुअली इसको रिकमेंड करना आप लोगों को, बट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हर टाइम मेरे साथ ट्रैवल किट में होता है, क्योंकि इसका नंबर वन एक फ़ायदा है, बाई चांस कोई कपड़ा नहीं सूखा 2 मिनट में सुखा सकते हो, बट वो इसकी एक शक्तियों का दुरुपयोग यू कैन से, शक्तियों गलत इस्तेमाल करते हैं हम लोग, बट वैसा नहीं, बट जोक्स अपार्ट बहुत अच्छी चीज़ है, जब आपके बाल गीले हो जाएं है ना, कभी भी आप बारिश में ट्रैवल कर रहे हो जैसे मैं राइड करता हूं, तो फटाफट से हेयर ड्रायर निकालो, 2 मिनट में बाल सूख जाएंगे, और इसके अलावा स्टाइलिंग में भी बहुत हेल्प करता है, अगर आपको जैसे भी हेयर स्टाइल बनाना है, अगर आपको ड्रायर यूज़ अच्छी तरह करने आता है तो आप कोई भी हेयर स्टाइल बना सकते हो लिटरली कोई भी। 2 इसके हीट मोड हैं और 2 इसके ब्लोअर के मोड हैं, जो फ़ैन है यू कैन से, और काफ़ी अच्छा है, इसको ठंडी हवा भी मारता है ये, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं कि सिर्फ गर्म हवा ही मारेगा, ट्रैवल किट में तो हमेशा ये होना ही चाहिए, और आई डेफिनेटली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट टू यू गाइस, और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और यू कैन विजिट माय अमेज़न स्टोर लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आगे ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स रिकमेंड करते रहूँगा जो कि मैं खरीदता रहता हूँ ओकेजनली, हर महीने जो मेरी शॉपिंग लिस्ट होती है ना मैं आपके साथ शेयर कर डालता हूँ, मैं चाहता हूँ अगर मेरा फायदा हो रहा है, मेरे पैसे बचे तो आपके ही बचने चाहिए, और अभी सेल चल रही है अमेज़न की, मानसून सेल, अमेज़न वार्डरोब रिफ्रेश सेल, तो उसमें आप हार्डवेयर डिस्काउंट मिल रहा है, एकदम जाके कुछ भी परचेज करो मस्त डिस्काउंट मिलेगा, बाकी प्रोडक्ट्स मैंने सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दी, वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस।